नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा हल्दी के प्राइसेस के अंदर काफी उतार चढ़ाव था। काफी बड़ी मंदी के बाद अब हल्दी 6000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हल्दी का आउटलुक। मोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एग्री नॉन एग्री कमोडिटी की रिपोर्ट एवं विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल के बटन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। टेक्निकली अगर हम हल्दी की बात करें तो पिछले एक महीने में हमने 8.5% की तेजी आते हुए देखे। पिछले एक हफ्ते की ही बात करें तो करीबन हमने 5.25% की तेजी देख चुके हैं। हम जानते हैं टेक्निकल इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बड़ी गिरावट के बाद अब सभी इंडिकेटर पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर मूविंग एवरेज वाइज बात करें तो 5, 10, 20, 50, 100, 200 सभी इंडिकेटर पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म हल्दी में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। वहीं RSI, CCI, MACD ये भी पॉजिटिव सिग्नल देना चालू कर चुके हैं। इनिशियली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर पिछले साल करीबन 52-53 के भाव भी हमने कंसोलिडेट होते हुए देखे, बट प्राइजेस 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बट पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम बना है फंडामेंटल साइड, ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार एक बूस्टअप देगा हल्दी को, क्योंकि 6000 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट में बूस्टअप मिला है। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा होना चालू हो चुका है। फंडामेंटल की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने 5.25% की तेजी हल्दी में आती हुई देखी। कहीं ना कहीं अब अटकलें लगाई जा रही है कि प्रोडक्शन पिछले अनुमान के मुकाबले कम रहेगा। यील्ड में ड्रॉप देखा गया है ओवरऑल तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये की एरियाज के अंदर, क्योंकि रिसेंटली जो रेनफॉल हुई है की ग्रोइंग एरिया में, यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है क्योंकि काफी टाइम तक हाई मॉइस्चर रहा है। साथ में हमने देखा कि अब तक जो स्टॉकिस्ट के पास माल था वो काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमेशा दबाव रहा है। अब कहीं ना कहीं 2020 के अंदर हमने देखा कि हल्दी एक इम्यून बूस्टर करके निकलते हुए दिखाई दी, जो कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा बाउंस या डिमांड में आते हुए देखा। हमने देखा इंडिया ने अप्रैल से सितंबर तक के अगर आंकड़े की बात करें तो करीबन 1.01 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल 2019 के मुकाबले की अगर बात करें तो 58% तक बढ़ा है, जिसके चलते हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक है उसमें धीरे धीरे कमी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर इस बार के प्रोडक्शन की बात करें 2021 की, जो करीबन 5.2 लाख टन के आसपास होना चाहिए, जो पिछले साल के मुकाबले करीबन थोड़ा कम है, जो 5.35 रहा है, तो ओवरऑल कैरी ओवर स्टॉक कंफर्टेबल जोन पे पहुंच चुका है। धीरे धीरे जो नई डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड और इम्यून बूस्टर की तरह डिमांड निकली है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने एक बुलिश पैटर्न या हम वेज पैटर्न का निर्माण होते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 6000 के ऊपर जाने पे हुआ है। प्राइसेस 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड है। फिबोनाची का लेवल 38.2 का लेवल तोड़ चुका है। अगर प्राइसेस 6300 के ऊपर कंटिन्यू वीकली बेस पे अगर होल्ड कर देती है, जो पिछला हाई भी था हमने सितंबर मंथ में देखा था, तो प्राइसेस 7200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। मोमेंटम स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, वोलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, फंडामेंटल भी मजबूत है और अब टेक्निकल भी मजबूत है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आने वाले पीरियड के अंदर हम प्राइसेस के अंदर तेजी कंटिन्यू देख पाएंगे। तो जब तक प्राइसेस 5700 के ऊपर होल्ड है, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, प्राइसेस ऊपर में 63 का लेवल तोड़कर 7200 या उसके बियॉन्ड भी जाने की ताकत रखता है। वहीं सीजनलिटी की अगर बात करें तो सीजनलिटी जनरली देखते हैं हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर दबाव रहता है, बट इस बार के फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट है, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइसेस को लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू दिखेगी। एज ए इम्यून बूस्टर एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू प्राइसेस को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, बट सीजनलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक हम जनरली देखते हैं सीजनलिटी नेगेटिव ही रहती है, बट इस बार हमें लगता है प्राइसेस बेस बना चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको हल्दी और बाकी कमोडिटी के बारे में भी अपडेट देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।